थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. चेकआउट कर दिया यहाँ से. आया था सिर्फ एक रात के लिए पर मैं यहाँ पर चार नाइट्स रुका. इस हॉस्टल का नाम है डोंगयांग. बिल्कुल सुल्तान अहमद एरिया में है. सामने है आया सोफिया. 10 में से 7 रेटिंग्स मैं दूंगा. 3 क्यों नहीं दे रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. पेमेंट मैंने किया यहाँ करीब 3,000 रुपये, 10 यूरोज पर नाइट मैंने यहाँ पर पे किया है. इसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल है हर रोज़. अब मैं इनसे एक इनवॉइस ले रहा हूँ पेमेंट का. मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 3 नंबर्स क्यों काटे होटल डोंगयांग के. नंबर 1, इनका जो वाईफाई है वो रूम्स में बहुत अच्छा नहीं आता है. स्पीड बहुत कम है. यहाँ तक कि जो उनके कॉमन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी स्पीड अच्छी नहीं थी. मुझे एक वीडियो अपलोड करना था तो लोग मगर अच्छे हैं. इसलिए 7 स्टार्स में से सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है यहाँ के लोगों का, ख़ासतौर पर साले. साले बहुत ही SALIH ये उनका नाम है. साले बहुत ही गजब के इंसान हैं. उन्होंने मुझे गली बोलू जाने के लिए जो मैंने मन बनाया है वो उनकी वजह से बनाया है. और उन्होंने ही मुझे अपना पर्सनल मोबाइल से हॉटस्पॉट क्रिएट करके दिया था, परसों की बात है. उसके अलावा टॉयलेट्स थोड़ी सी गंदी रहती थी. लाइट्स पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही थी यहाँ इनके कॉमन एरिया में. अंधेरा सा रहा करता था अक्सर. एक तो बड़ी ऑटोमेटिक सिस्टम अजीब ही है. आप अगर चल रहे हैं मूवमेंट होती है तो लाइट जलती है, अदरवाइज़ लाइट बंद हो जाती है. मैं शेव कर रहा हूँ वॉशरूम में खड़ा होकर, तो मैं खड़ा हूँ तो बंद हो जाएगा. मेरे को चलना ज़रूरी है तभी वो लाइट ऑन रहेगी. मेरे को बार बार सेंसर के नीचे जाके उसको ऑन करना पड़ता था. बाकी एक बात ज़रूर है, 10 यूरोज में ये हॉस्टल अच्छा है. मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ स्टे कर सकते हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी लोकेशन, आया सोफिया और मॉस्क सामने है. लंबी लाइन है आया सोफिया के लिए. टाइम थोड़ा सा ऑड ले लिया है मैंने. 12:15 हो रहे हैं अभी. ये जो भाई साहब है मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये एक्चुअली टूरिस्ट को अप्रोच करके पूछ रहे हैं कि आपको गाइड चाहिए. अगर गाइड लेंगे तो 100 लीरा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. और आप VIP लाइन से यानी वहाँ उस तरफ से बिना लाइन लगाए घुस सकते हैं. जिस कार्ड के बारे में मैं कल बात कर रहा था वो जो 125 लीराज का था, उसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप थोड़ा जल्दी से साइट से निकल सकते हैं. वो वहाँ पर लिखा हुआ है 125 फॉर 5 डेज. थैंक यू वेरी मच. 40 लीरा की टिकट है ये आया सोफिया म्यूज़ियम के लिए. 100 दिए थे, 60 वापस कर दिए हैं. थैंक यू. ऑडियो गाइड ले सकते हैं, हालांकि हिंदी में नहीं है. स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, जापनीज़ वगैरह वगैरह, इटालियन, रशियन, कोरियन, बट हिंदी में नहीं है ऑडियो गाइड. और ऑडियो गाइड इंग्लिश में लेना चाहें तो कितने का पड़ेगा? इसका है 30 टर्किश लीरा. सोफिया म्यूज़ियम. इस वक्त ये है म्यूज़ियम, लेकिन जब ये बना था ना करीब 537 AD, यानी आज से करीब 1950 साल पहले, 1950 ईयर्स पहले. 537 AD में जब ये बना था तो ये बना था एक चर्च के रूप में. बाइजेंटाइन एम्पायर यहाँ पर था, 1000 साल तक ये रहा चर्च. ऑटोमन एम्पायर 1000 साल के बाद जब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर आया तो उसने इस चर्च को बदल दिया एक मॉस्क के रूप में. फिर ये बना मॉस्क. और उसके बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ टर्की जब शुरू होती है तो 1900 समथिंग में, करीब 1920s के आसपास, ये मॉस्क से बदल के हो गया म्यूज़ियम. तो इस वक्त हम हैं एक म्यूज़ियम में, आया सोफिया. और ये एक्चुअली टर्की में, इस्तांबुल में अगर आप आते हैं तो मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है आया सोफिया. इसके ठीक सामने है नीली मस्जिद यानी ब्लू मॉस्क. और ये जब बना था ना तो अपने आर्किटेक्चर के लिए ये जाना जाता था दुनिया भर में. इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बहुत बड़ा गुंबद, इसका डोम ऊपर.
टर्की की सबसे खास बात ये है कि ये काफ़ी मॉडर्न है अपने कल्चर में, और इसका पता चलता है यहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको देखकर, उनका जो पहनावा है वो जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यहाँ के कल्चर में। तो इस्लाम होने के बावजूद ये एक सेक्युलर कंट्री है, किसी एक रिलीजन को ये लोग ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानते हैं, उसके बावजूद ये सभी रिलीजन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन है, काफ़ी लिबरल है, मॉडर्न सोच है। जब मैं बात करता हूँ टर्की का ये जो मॉडर्न कल्चर है, ये जो ओपननेस है, ये जो लिबरल जो कल्चर है टर्की का, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मेरे ख्याल से किसी भी देश, किसी भी सोसाइटी को किसी तरफ ले जाने में उसके लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। टर्की बेशक एक इस्लामिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव था, उसके बाद भी ये इतना मॉडर्न बना उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यहाँ के जो लीडर थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ये हैं टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट। 1923 में ये पहली बार टर्की के प्रेसिडेंट बने थे, 1938 तक रहे, और उसके पहले यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था और काफ़ी बुरी हालत हो गई थी वर्ल्ड वॉर वन वगैरह के बाद में ऑटोमन की हारने के बाद, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस्लाम का प्रभाव हुआ करता था इस ऑटोमन एम्पायर में। मगर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इन्होंने इस देश को उस गर्त से निकाला और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस को होने दिया, जिसका कारण ये है कि आज इस्तांबुल हमें वैसा दिखता है जैसा यूरोप है। तो ये जो सारा कुछ ये जो है आज जो टर्की है, ये सिर्फ पॉसिबल हो सका एक लीडर की वजह से, एक विजनरी लीडर की वजह से। तो किसी भी देश या किसी भी सोसाइटी को ऊंचाई तक लेके चले जाना या फिर डुबा देना, उसके पीछे हाथ होता है वहाँ के लीडर्स का। क्योंकि सोच जब लिबरल हो गई थी तो धर्म और ये सब चीज़ें थोड़ी पीछे चली गई थी, बाकी सारी चीज़ें डेवलपमेंट, आम आदमी का डेवलपमेंट, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सब ऊपर आ गई थी। तो आज टर्की एशिया में होने के बावजूद और थोड़ा सा यूरोप में होने के बावजूद, मोटे तौर पर बड़ा वाला जो हिस्सा इसका वो एशियन है, उसके बावजूद ये हमें यूरोपियन जैसा लगता है, डेवलप लगता है काफ़ी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जनाब को। तो लीडर्स का बहुत बहुत ज़बरदस्त हाथ होता है, लीडर्स को हम चुनते हैं, हाथ हमारा होता है, जिम्मेदारी हमारी है, ख़ासतौर पर हमारे जैसे देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर हम चुन के भेजते हैं लोगों को देश को रूल करने के लिए, देश को एक दिशा देने के लिए। दोपहर के 1 बज गए हैं, म्यूज़ियम से बाहर आ गए हूँ आया सोफिया से। ये जो कॉम्प्लेक्स है आया सोफिया का, यहाँ पर वॉशरूम है और इसको यूज़ किया, इसको यूज़ करने के बाद मुझे याद आ रहा है अंकोर वर्ड। वॉट की जो एंट्री टिकट थी वो थी $20 की, मगर $20 में बहुत सारे जो टेंपल कॉम्प्लेक्सेस हैं पुराने वाले उनको एक्सेस कर सकते थे। यहाँ पर 40 लीरा की टिकट थी जो कि करीब $6 पड़ती है। $40 का मतलब हुआ करीब 433 इंडियन रुपीस। लेकिन उन $20 की एंट्री फी में जो वॉशरूम है ना, वो गजब के हैं। पता नहीं क्यों मुझे साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ के जो वॉशरूम्स, वहाँ के टॉयलेट्स, बाथरूम्स वगैरह इतने साफ़ सुथरे हैं ना। मैं वहाँ के हॉस्टल्स में रुका 150-200 रुपए में, लेकिन वहाँ की जो सफाई थी टॉयलेट्स में, वॉशरूम्स में, वो ज़बरदस्त थी। क्लीनलीनेस, हाइजीन आपके दिमाग के ऊपर इतना इम्पैक्ट डालता है। आज से करीब 3-4 साल पहले गया था मैं कंबोडिया, और आज तक मेरे दिमाग में उस साफ़ सफाई की जो जो छवि है वो बैठी हुई है मेरे दिमाग में, जो यहाँ पर मुझे नहीं मिली, मेरे देश में मुझे नहीं मिलती है, कई और देशों में मुझे नहीं मिली, मुझे मिली कंबोडिया में अंकोर वॉट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में। आया सोफिया से निकलने के बाद ठीक सामने है ब्लू मॉस्क। Thank you.
काफ़ी देर वहाँ आया सोफिया के पास जो फाउंटेन है वहाँ बैठने के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ पीछे। ये है ब्लू मॉस्क। एक्चुअली एक बहुत बड़ी गलती मैं अभी तक कर रहा था, इसको लोग बोलते हैं वैसे ब्लू मॉस्क, मगर इस जगह का नाम है सुल्तान अहमद, और जिस वजह से इस जगह का नाम सुल्तान अहमद पड़ा है वो है ये, यानी ब्लू मॉस्क। इसका असली नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क, सुल्तान अहमद मॉस्क। ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। हिंदी में ऑडियो गाइड या फिर हिंदी में इंस्ट्रक्शंस नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है। वहाँ पर रशियन है, वहाँ पर अरबिक है, वहाँ पर कोरियन है, बहुत सारी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, मगर हिंदी नहीं है, जबकि हम दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। हर छठा आदमी दुनिया में इंडियन है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदी बोलते हैं, मगर हिंदी बोलने वाले इतने सारे लोग हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं, घूमने जाते नहीं हैं, यही रीज़न है कि ये लोग हिंदी में लिखते नहीं हैं। घूमो यार, बाहर घूमो, बहुत पता चलता है, और कम से कम हमारे देश का नाम हम इंडियंस कम से कम नज़र आते हैं ना बाहर जाके, तो हम हैं एम्बेसडर्स इंडिया के, असली एम्बेसडर्स। तो बाहर जब घूमेंगे तो हमारी भाषा भी इस तरीके से नज़र आएगी, इंडिया को भी, इंडिया की भाषा को भी, इंडिया के कल्चर को भी ऐसा इज्जत मिलेगी। मेरे ख्याल से जो जेंट्स हैं उनके लिए भी शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। मैंने देखा एक भाई साहब अभी, ये है ना पीले रंग का, इन्होंने कुछ पहना हुआ है। सुल्तान अहमद मॉस्क काफ़ी पुरानी मॉस्क है इस्तांबुल में। 1616 में ये मॉस्क बन के तैयार हुई थी। सुल्तान अहमद, सुल्तान थे यहाँ के, उनका नाम था अहमद, अहमद खान, उन्होंने ये मॉस्क बनवाई थी। अब इस मॉस्क की खास बात ये है, करीब 20,000 नीले रंग की टाइल्स लगी हुई हैं ऊपर, और इसलिए इसको बोला जाता है ब्लू मॉस्क। अदरवाइज असली नाम, इसका ऑफिशियल नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क। इस मॉस्क के नीचे कुछ टनल्स बनी हुई हैं, जब ये बना था तो बताते हैं कि वो इसको अर्थक्वेक से बचाती हैं और नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करती हैं। क्या इस्तांबुल तुर्की अगर आए हैं तो जनाब बकलावा ज़रूर खाइएगा, वेजिटेरियंस खा सकते हैं इसको। सो दिस इज़ फॉर 3 लीरा। ये शहद, मैदा और पिस्ता का बनता है पकलावा। कैसा लग रहा है, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता किसी चीज़ के साथ में, मीठा है, थोड़ी चाशनी भरी हुई है, घेवर जैसा लग रहा है, घेवर अगर आपको पता हो तो, मीठा मीठा होता है, चाशनी से भरा होता है। शाम के 5:30 हो गए हैं और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, तकिरदाग जाना है, वहाँ काउच सर्फिंग के मेरे एक होस्ट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, और पता नहीं कैसे पहुँचूँगा यहाँ से। मैं अभी यूसुफ पाशा नाम की एक जगह जाऊँगा जहाँ से मुझे मिलेगी मेट्रो, वहाँ से मैं जाऊँगा ऑटोगार, जहाँ से मुझे मिलेगी बस। ऑटोगार मतलब होता है बसों का टर्मिनल, जहाँ से फिर लॉन्ग रूट्स के लिए बसें चलती हैं। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त तुर्की के नॉर्थ वेस्ट में, बुल्गारिया के करीब, हालांकि बुल्गारिया की तरफ यहाँ से करीब 2.5 घंटे 3 घंटे का रास्ता है। 5:30 हो गए हैं, अंधेरे में पहुँचूँगा होटल डोंगयांग। बाय बाय, अच्छा स्टे था, और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था ना रेटिंग्स के बारे में, यहाँ के लोग एयूब से मिला था सबसे पहले, और उसके बाद मिला था जनाब साले से। गली बोलू नाम की जगह पे मैं जा रहा हूँ,
जो मुझे शायद हमारे डिस्कशन से ही निकल कर आया, अदरवाइज़ वो नहीं पता चल पाता, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए, वो मैं वहाँ जाके बताऊँगा आपको. सो आई एम सेइंग दैट यू एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट. यू अंडरस्टूड? ओके ओके ओके. सो आई जस्ट वांट टू से यू थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग. आई रियली एंजॉयड माय स्टे. वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन द वीडियो? या, वी वेलकम ऑल इंडियन पीपल हियर टू टर्की. वी लव यू. We love all of you. Thanks a lot. And, we love you. Thanks a lot. And would you like to say that particular thing which just to warn the solo travelers like me? How should you be careful? Actually, I told you. Not on camera. Okay. चलिए ठीक है. So मैं आपसे फिर वापस अकेले में बात करूँगा. इनको मैं छोड़ देता हूँ. So I really thanks you for everything.